forever, ever, hold it, never mind. Oh, I. Hello, hello, I welcome you all to Soul's Tarot. How are you guys doing? So today we are here to do your reading, guys, which would be about this annual solar eclipse that happens on the June 10th. So June 10th ko hone wala hai, right? And a lot is being talked about. Iske baare mein log bahut baat kar rahe hain, log iske baare mein bahut kuch keh rahe hain. So let's just see what this is about. And एनुअल सोलर इक्लिप्स इसको कह रहे हैं. इससे पहले इनफैक्ट अभी रिसेंटली वीव हैड अ सुपर मून, राइट, जहाँ पे लूनर इक्लिप्स रहा फुल मून के साथ, जहाँ पे एनर्जीज जो थी स्काई में दे वर सो डिफरेंट. ये एक सेलेस्ट्रियल फिनोमेना है जो रेयरली देखने को मिलता है. और ये जो जून 10th को होने वाला है, विच एवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू आर इन, यू नो, इन द वर्ल्ड, and whenever you see this reading or when the title attracts to this, this reading is of course meant for, it's a timeless reading for the collective that we are doing. So solar eclipse ke baare mein isliye baat kar rahi hu that people need to know what happens really. So kya hota hai that the moon basically comes between the earth and the sun, right, aur tab wahan par eclipse hota hai. So you can skip it, you can go to the reading directly, I'll timestamp it, but ye information dena zaruri hai. सो दिस फिनोमिना इज रेयरली सीन और ये काफ़ी पावरफुल होता है. और इस बार जून 10th को स्पेसिफिकली यू विल सी अ रिंग ऑफ फायर, यू नो, अराउंड, यू नो, व्हेन दिस इक्लिप्स हैपेंस. सो ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स अ रिंग ऑफ फायर विल बी सीन अराउंड द मून. सो ये नेकेड आई से ऑब्वियसली नहीं दिखेगा, बट कुछ पार्ट्स में इट्स विजिबल. सो कीप इन व्यू कि आप इक्लिप्स के दौरान, कहते हैं बिकॉज मैं वैदिक और वेस्टर्न दोनों में डाबल करती हूँ एस्ट्रोलॉजी में, तो कहते हैं कि आपको बाहर नहीं जाना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली उसके इफेक्ट्स होते हैं. बट देर आर वेज दैट यू कैन डू सर्टन थिंग्स एंड यू कैन, यू नो, बेनिफिट फ्रॉम देम. सो सेंटर ऑफ द सन जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली प्रोजेक्टेड होता है. सो बिगिनिंग ऑफ द वीक में ही, प्रायर, लाइक इन दिस वीक दैट वी आर रनिंग, वी आर ब्लेस्ड बाय द मून इन सच अ वे के यू विल सी अ लॉट ऑफ वाइटिलिटी, आपको वो नजर आएगी, राइट. सो आपके जो भी काम रुके हुए हैं, डिसीजंस, टफ डिसीजंस अंडर द कार्पेट हैं, एवरीथिंग शैल कम आउट. मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, वी नो, तो आपको प्रॉब्लम्स लगेंगी, फाइनेंशियल इश्यूज भी लगेंगे, कम्युनिकेशन इश्यूज भी लगेंगे. और आपको लगेगा दैट यू नॉट द मोस्ट प्रूडेंट वन, मतलब वाइज वन शायद आप नहीं हैं. बट द गुड न्यूज़ इज दैट पोस्ट जून 10 यू सी वाओ, आउटकम तो कुछ और ही था. ये जो पीरियड आपका जा रहा है, ये हफ्ता जिस तरह से जा रहा है, ये टेस्टिंग है जहाँ पे आपका फेथ टेस्ट कर रहे हैं. स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, काना, माइकल, शिव, जिनमें भी आप मानते हैं, नानक, अल्लाह, जो भी, हूएवर यू बिलीव इन, जीसस, यू नो. सो देर जस्ट टेस्टिंग यू. सो मेक श्योर दैट यू चेक योर, यू नो, टेम्पर, यू चेक योर माइंड, डोंट लेट पीपल फूल यू, ओके, and pay attention to the ones who really love you, and also pay attention to your pocket, theek hai. So this is what I had to share with you about the annual solar eclipse in detail. Those who are interested can, you know, comment or, you know, connect with me on Twitter and I shall definitely help you. So show me the messages, my girl, we need to see blueberry from the moonology deck as to what is coming up. What is coming up for all signs collective this annual solar eclipse, what do they need to see and understand. So zodiac ka numbers jo baat karenge unke bare mein zarur baat karungi, extended mein detail mein hota hai on request, and otherwise यू नो रिवर्सल्स नहीं करते हैं, जेंडर में टैपिंग नहीं करते हैं, अनलेस सम काइंड ऑफ थ्रू. ओके, सो लेट्स सी, लेट्स डाइव इन. मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, काइंडली हैव अ लुक और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, गाइस. ओके, थैंक्स. सो चलिए, शो मी द मैसेजेस, माइकल, वी नीड टू सी फॉर द कलेक्टिव. दोज आर वॉचिंग, दोज आर रेजोनेटिंग इस रीडिंग में, उनके लिए जो मैसेजेस हैं प्लीज़ वो करिए, करिए फॉर द हाइस्ट स्कोर. व्हाट इज दिस ब्रिंगिंग, व्हाट्स कमिंग अप, what's coming up, what's rising for them, and what do they need to see.
given me like 3, but I took, you know, 1 forward. So the first we have, as I said, that they're testing your faith this week. Have faith in your dreams. Okay, it's a waxing crescent moon. So have faith in your dream, guys. Don't let anything else get in the way. Trust yourself, okay? Don't let anyone tell you you're not good. Trust me, you're very good. जो आप कर रहे हैं, जहाँ आप हैं, जिस स्थिति में आप हैं, बहुत अच्छे हैं. आपको बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है. You're good enough is what they gave forward. Full moon in Virgo. So I'm going to talk about this in detail. हम ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे. But what I really see out here is that, you know, it's about your dreams. It's about you to maintain harmony with your dreams and understand that जो जिस स्पीड पे जिस पेस पे हो रहा है वो काफ़ी है. ठीक है. सो यू डोंट हैव टू वरी और पैनिक और गेट इन टू केओस और कॉन्फ्लिक्ट. वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. राइट. सो लेट्स पुल आउट योर टैरो एंड देन आई एम गोना एक्सप्लेन बोथ टू यू एक साथ. शो मी द मैसेज यू नीड टू सी फॉर द वन वॉचिंग. जो रेजोनेट करे लाइक और सब्सक्राइब टू द चैनल पीपल. What do they need to see? What are the messages my people need to see today? They're my spirit guides. Annual solar eclipse, kya lane wala hai? The good, the bad, or not so good. What do they need to see? What are their messages? It's a collective reading. It's a timeless reading. Jab bhi dekhte hain, to obviously this reading mein aapke liye kuch, as I said. So they're telling me to do 3 more. 1, 2, and see, it's not even going. So don't let pride people get in the way. There can be issues. So I'm going to do 2 more shuffles really. To be empowered, you know, you need to be empowered within. Dikhana nahi hai. I'm going to stop now. Show me the messages, Michael, that I need to see, Gabriel. For the one watching, the one resonating, jinke liye ye messages hain. Let's see, what do they need to see? Five of Pentacles is at the bottom of the deck, but I'm pulling out a free spread, so let's see. What do we need to see? So we have the Seven of Pentacles that came out, we have the Six of Wands, and we have the Chariot, okay? So this is what came out first. So Seven of Pentacles is about keep doing you. Keep whatever you planted, see, with have faith in your dreams. Jo bhi aapne plant kiya hai, jis cheez par bhi aap kaam kare, could be a project, could be a work, could be a relationship, could be family, could be work, could be anything. Kisi bhi dynamic mein dekh sakta hai. Jis par bhi aap kaam kare, us pe aapko wo suggest kare, please continue doing that with the Chariot here. Have that balance. Be in control, stay in control, don't give up. Don't let other issues come in the way. Beech mein mat aane dijiye, koi bhi pride, koi bhi interference, third party situation doesn't mean only like third party relationship. Third party has like, कोई तीसरा इंसान आके कुछ भी आपको कह जाए कि नहीं नहीं आप तो कर ही नहीं सकते, आपके बस की नहीं है. Don't let the person fool you. Know your power, stay in your power. That's the advice. Because with you are good enough is the same, that you're very good. जो भी आप हैं, जो भी ये रीडिंग देख रहा है, you guys are very powerful. Very attractive, very charismatic, and लोग आपकी तरफ attract होते हैं, not just because maybe you're good looking, but also because you know what you're doing. You're skilled. आपके पास वो skills है and success आपकी होगी. Six of Wands, like because energies में tap करें तो even, you know, whether you're a male subject or a female, they're saying that you both are very skilled, very attractive, and आपके पास वो दोन, you're a combination of beauty and brain. So don't let anyone question that, okay? So this is what's coming up for you this post this solar eclipse. ठीक है. ये जो annual phenomena होने वाला है June 10th को, आपकी गाड़ी पटरी पर बहुत अच्छे से भागने वाली है. अगर अभी थोड़े hiccups थे तो बदल जाएगा definitely, क्योंकि आप हर moment को enjoy करने लगेंगे, बिकॉज आपको क्लैरिटी और आ जाएगी. कीप डूइंग यू, जो आप कर रहे हैं ना विद द टू ऑफ वॉन्ड्स, दैट्स एग्जैक्टली द सेम. इट्स द कार्ड ऑफ वेटिंग.
that you're saying your prayers, you with the Seven of Pentacles, you're putting in your hard work and everything. So they're advising you to keep doing you, don't worry. Just keep doing you. Investments हैं अगर आपकी, या बच्चों के future को लेकर कोई बातचीत है, या for that matter कोई relationship को लेकर है कि आप बात करना चाह रहे हैं, higher level of commitment के लिए जाना चाह रहे हैं, तो they're saying that's going to work out. So just don't let other issues come in the way. That's one advice. ठीक है? So that आप अच्छे से इस fruit को enjoy कर सकें. कई बार छोटी छोटी चीज़ें बहुत हमें disturb कर देती हैं. Because you're the magician here, that's what they're saying. कि आपके पास सारे tools हैं जो भी इस reading से resonate कर रहा. Because as I said, it's a psychic divine timing reading, okay? It's like that kind of reading wherein इसमें कोई निर्धारित zodiac या निर्धारित समय की बात नहीं है. It's about when you see the reading, this reading is meant for you. So around solar eclipse ज़रूर है, लेकिन timeless है. So it's about knowing your worth. It's about coming in that understanding that, oh, you know what, I have the sun behind me shining. मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. So nothing is impossible. और आप इस thought, इस mindset से ना बहुत सारी अपनी problems जो है solve कर पाएंगे. आप मतलब आपको कोई अड़चन या रुकावट नहीं आएगी. और आपके पास ये पावर भी होगी, एबिलिटी होगी कि आप दूसरों को भी बेहतर गाइड कर पाएंगे. दे टू मैनी विल टेक दिस एंड विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स देयर वुड बी इक्वल गिव एंड टेक. और वो इक्वल गिव एंड टेक जो है आपको बहुत हैप्पीनेस देने वाला है कि जितना भी आपने अभी तक एफर्ट डाला है, सब कुछ किया है, दैट इज गोइंग टू पे ऑफ. बिकॉज एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द नाइन ऑफ पेंटिकल्स. सो दिस इज वॉट इज कमिंग योर वे एंड ऑल्सो द टेन ऑफ कप्स. आई एम गोना टेक दैट. सो यू हैव टू कीप इन व्यू दैट यू नो योर वर्थ. यू डोंट क्वेश्चन योर सेल्फ, यू डोंट डाउट योर सेल्फ, एंड यू अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर इज कमिंग योर वे इज ब्रिंगिंग यू फाइनेंशियल अबंडेंस, इज ब्रिंगिंग यू इमोशनल फुलफिलमेंट ऑल्सो. सो अपना हेड और हार्ट बैलेंस रखिएगा. फॉर सम पीपल, आई थिंक कुछ लोग आप में से बहुत इमोशनल हैं. प्लीज़ सिर्फ इमोशनल होकर डिसीजंस मत लीजिएगा, बिकॉज वो पे नहीं करते हैं. आप मैजिशियन हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा. आपके पास सारे वो स्किल्स हैं, चाहे आप एक औरत हैं या वेदर यू आर अ मैन और अ वुमन और अ बॉय और अ गर्ल, व्हाटएवर. आपके पास जो स्किल्स और टूल्स हैं दैट कैन ब्रिंग यू ऑल द इमोशनल हैप्पीनेस, वेल बींग, also financial abundance, because आप बहुत complete हैं. you are beauty with brains, you are like the perfect package. So ride it, ride the chariot. किसी और को मत करने दीजिएगा. So essential signs जो मुझे benefit या affect होते हुए दिखते हैं positively भी इस solar eclipse के बाद, there are Cancer, Pisces, Scorpio, there are Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius and of course Aquarius, of course Libra and Gemini. So yeah, all basically, because it's an all signs reading, right? So har ek ka wo ek element hai and we don't know. Apna sun moon rising dekhiye ki kahan kahan kya baithta hai, us tarah se you will know how much this solar eclipse is going to benefit. But har kisi ko, trust me, mark my word, ye solar eclipse ke baad bahut cheeze behtar क्लियर हो जाएंगी, प्रोवाइडेड यू ट्रस्ट योर सेल्फ, योर इंट्यूशन, योर पावर एंड नो टू हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. लेट मी जस्ट टॉक अबाउट दीज टू कार्ड्स नाउ. सो दिस हियर विद हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ओके, आई होप यू कैन सी दिस राइट. सो हैव फेथ इन योर ड्रीम्स इज रियली अबाउट नॉट गिविंग अप. As I said, trusting your intuition, knowing your self-worth, knowing that you're the magician, knowing that you can make it happen and being patient. Ki cheezon ko apne samay par unfold hone dijiye, right? And you don't have to look back. Peeche mudkar dekhne ki zarurat nahi hai, because the idea of being empowered or to have a good empowered life is to stay focused and looking forward. Samne dekhiye, theek hai? Aur koshish kariye ki अपने अंदर भी देखिए, एज टू जो भी थोड़ा बहुत कमी है विद सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, हाउ यू नीड टू वर्क ऑन दम, राइट, सो दैट यू कैन रीप द फ्रूट कम्प्लीटली. ओके, सो इट इज लाइक, हाउ शुड आई से, द वैक्सिंग क्रिसेंट मून इज बेसिकली एज इन द डेक इट्स रिटन
that it is the I think it's the, if I'm not wrong, it is the second moon phase, right, in the eighth main moon phases. So yeah, it's a detailed thing, let me not get there, but they say that, you know, it's about trusting yourself and going forward strongly, trusting in your dreams and knowing with the magician card here, knowing with the six of wands here, nine of pentacles, ten of cups here, that you can make it happen and you can turn them into reality. But you'll have to really work hard towards it. That's the whole idea. Okay, and with the full moon in Virgo, see how cool, how calm, how grounded, how the green is the vibe, how much centered it seems with this energy, that know your self-worth. Okay, don't let anyone tell you that you're less any which way, because you're not. With this year, it is time to be really honest with yourself. And being honest as in, like, जहाँ पर आपको लगता है कि आपको काम करने की ज़रूरत है, वहाँ आप ज़रूर काम करिए. हो सकता है आपके सेल्फ इस्टीम इशूज़ हों, आपके ईगो इशूज़ हों, आपके कुछ डाउट्स हों, फियर्स हों, आप प्लीज़ उन पर काम करिए, बिकॉज दैट्स दी एडवाइस पीपल. ठीक है, और वर्गो विल ऑलवेज आस्क यू फॉर द ट्रूथफुलनेस. आपसे वो कुछ नहीं मांगेंगे, दे आर आस्किंग यू फॉर बींग वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. दैट इज़ दी एनर्जी. ठीक है, एंड इंश्योरिंग दैट यू डोंट हैव टू डाउट योर सेल्फ, बिकॉज वर्गोज आर वेरी श्योर अबाउट दम सेल्फ, लाइक दे आर वेरी फिक्स्ड इन सर्टन वेज, राइट. बट दिस ऑल्सो रिमाइंड्स टू कीप अ चेक ऑन योर कर्मा. ठीक है, अपना जो कर्मा है, जो बैलेंस है विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, मेक श्योर दैट यू सी दैट, सो दैट यू कैन, यू नॉट हर्टिंग एनी वन, यू नॉट हार्मिंग एनी वन, एंड यू आर ओनली पुटिंग द गुड forward. And that is what it is. Ideally, there's nothing to worry that I see. It's about trusting the divine order, trusting the blissfulness that the solar eclipse is going to bring, because it's going to be heavenly. Bahut hi kamal ka hone wala hai. And iske baad essentially, you know, there would be 3-4 signs jo jinko career front pe bahut jinke liye behtar rahega, उनके बारे में ज़रूर हम बात करेंगे, बट इन द नेक्स्ट रीडिंग में भी. बट वेरी अबंडेंट, वेरी अमेजिंग और वेरी पॉजिटिव रीडिंग है. स्ट्रॉन्ग अर्थ एनर्जी, वाटर एनर्जी, फायर एनर्जी वी सी, एयर इज वेल. सो सब कुछ ही है इन द डायनामिक. अपना सन मून राइजिंग देखिए, दूसरी रीडिंग ज़रूर देखिए, फुल मून इन सैजिटेरियस रीडिंग ज़रूर देखिएगा. रैपिड फायर भी है, विच इज़ लाइक रिली शॉर्ट, और दूसरी रीडिंग्स भी हैं जो डिटेल है, लवन करे वो ज़रूर वॉच करेगा, सो दैट यू गेट एन आइडिया, और आपको क्लियर पिक्चर मिलेगा विद द सोलर इक्लिप्स नाउ एज टू तब कहाँ थे, अब कहाँ हैं, और आपको कैसे आगे मैनिफेस्ट करना है. ऑलराइट, सो इफ़ दिस रेजोनेट्स विद यू, एंड अगर आपको ये अच्छा लगता है, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करेगा, कम्युनिटी को ग्रो करिए, हेल्प करिए द चैनल ग्रो, बिकॉज मैं इसको मोनेटाइज करना चाह रही हूँ, एंड आई वॉन्ट टू डू इट राइटफुली. मैं आपको चीज़ी केकी रीडिंग्स नहीं दे सकती, आई गिव यू द मोस्ट ऑनेस्ट, मोस्ट अर्नेस्ट रीडिंग्स, एंड आई एम श्योर ऑल रीडर्स भी यही करते हैं, बट मेरे एंड से यू विल ऑलवेज फाइंड वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी हार्ट फेल्ट रीडिंग्स जो स्पिरिट गाइड्स यू नो डिलीवर करवाते हैं. सो गॉड ब्लेस यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे होम, ध्यान रखिए अपना भी और अपने लव्ड वंस का भी, एंड ट्राई एंड हेल्प अदर पीपल ऑल्सो, राइट. सो अंटिल आई सी द नेक्स्ट टाइम, टिल इटर्निटी, लव यू एज आई लव यू बैक, बाई.